The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now. एक लड़का जो है क्वेश्चन किया था, मैं जवाब नहीं दे पाया था। ये लड़का जो है, क्या नाम है जी, आफताब अली। आफताब अली का क्वेश्चन है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। देखो आफताब बाबू, ये जो है क्वेश्चन जो है जायज़ है, लेकिन आप पर्सनली क्वेश्चन करो। आप मैसेज करते हो कि सर क्लास में बता दीजिए, तो मैं क्लास में बता सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके चलो, इसका नियम होता है, रूल होता है कि इसको जो है हम कैसे बनाएंगे। आप नियम जान लो, नियम जान लोगे तो ये बन जाएगा। गेट बैड नेम, गेट बैड नेम का मतलब होता है बदनाम होना। आफताब ध्यान देना, गेट बैड नेम मतलब बदनाम होना। अब कह सकते हो, यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो कहेंगे टेंस के मुताबिक हम बना देंगे कि मुन्नी गॉट बैड नेम। इसका मतलब है कि मुन्नी बदनाम हुई, और किसके लिए, डार्लिंग तेरे लिए। तो कह रहे कि मुन्नी गॉट बैड नेम फॉर यू डार्लिंग। समझ मारी है ना। अब कहा जाए कि आफताब बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, तो कहिए कि आफताब गॉट बैड नेम, यानी कि आफताब बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। तो कहेंगे कि फॉर यू डार्लिंग। यानी कि आफताब गॉट बैड नेम फॉर यू डार्लिंग। किसी का भी नाम रखकर आप जो है बना सकते हैं। जैसे हम लोग बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, तो कहिए ना कि वी गॉट बैड नेम फॉर यू डार्लिंग। इस तरह का क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है दोस्त, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप स्ट्रक्चर पढ़ें, रूल पढ़ें, ट्रिक पढ़ें जो आपके बुक में दिया गया है। बुक नंबर 3 खोलिएगा ना, तो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो है यही है, यानी कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और आने वाला समय में मेरी एक और किताब आ रही है, रोमांटिक स्पोकन, यानी कि प्रेमियों के लिए, आशिकों के लिए एक स्पोकन की स्पेशल किताब आ रही है। इसलिए आफताब घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज जानना जरूरी है, अच्छा भी चीज जानना जरूरी है और बुरा भी चीज जानना जरूरी है। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, दिस ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन, दिस ऑल डिपेंड ऑन हालात, कंडीशन। ओके, मैन इज द स्लेव ऑफ सिचुएशन। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी जो है थिंकिंग है, ओपिनियन है कि मैन इज द स्लेव ऑफ सिचुएशन, यानी कि इंसान हालात का गुलाम होता है। जब हालात खराब हो जाती है तो इंसान तरह तरह का काम करने लगता है, चाहे अच्छा काम करे, बुरा काम करे, घटिया काम करे। काम तो कोई बुरा नहीं होता है, घटिया नहीं होता है, लेकिन इंसान की जब लेवल बढ़ जाता है और फिर लेवल नीचे आता है, तो ये जो है हालात पर निर्भर करता है। इसलिए हालात के अनुसार जो है घबराना नहीं चाहिए। ओके, हालात के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। चलिए, रही बात इंग्लिश स्पोकन की, मैं डेली वादा करता हूँ, डेली प्रोमिस करता हूँ, हर क्लास में प्रोमिस करता हूँ कि आप जिस तरह का भी क्वेश्चन कीजिएगा, हर तरह का क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। जिस तरह का आप ट्रांसलेशन पूछिएगा, मैं हर तरह का ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। ओके, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर एंड आई हैव कमांड टू ट्रांसलेट एनी टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओके चलिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।